एस टू के डाउट डिस्कस करते हैं। लाइट बराबर आ रहा है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस सर। एक्सरसाइज टू, लिमिट की एक्सरसाइज टू डिस्कस करना है। वैसे मैंने सॉल्यूशन भी साइन किए हैं, देखें आप लोग। यस सर, बोले बताएं डाउट। सो गुड मॉर्निंग, एक्सरसाइज टू का 14 बोल रहे हैं। हाँ, अब ये 5 बोला है और 14, तो देखो 14 तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का है, बस उसमें लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी होगी, कर लेते हैं उसको। हाँ, उसके पहले कौन सा बोला है, 5 कर रहा हूँ फिर 14 का है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, 5 है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 to the power 1 by x प्लस 2 to the power 1 by x प्लस 3 to the power 1 by x प्लस एंड सो n to the power 1 by x होल अपॉन n पावर n, यही है। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोगों को बोर्ड क्लियर दिख रहा है? थोड़ा जूम कर दीजिए सर। अब यस सर, ओके, देखेंगे ध्यान से कौन सा फॉर्म है। x की जगह इंफिनिटी, x 1 बाय इंफिनिटी 0, 1 टू द पावर 0, 1 1 1 1, तो 1 1 1 n टाइम्स, तो कितना हो गया n अपॉन n, 1 1 टू द पावर इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, 1 टू द पावर इंफिनिटी, राइट। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी fx, ये पूरा fx है, माइनस वन, ये fx, fx माइनस वन इंटू g, राइट, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखें ध्यान से, ये n इधर जाएगा और LCM के बाद ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा, LCM के बाद ये n इस n से कैंसिल होगा, तो करें 1 by x plus 2 to the power 1 by x, 3 to the power 1 by x, माइनस एन अपॉन एन इंटू एन एक्स, ये एन से ये एन, ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, 1 टू द पावर 1 बाय एक्स, ये एन है इसमें से एक वन लिया, और ये एक्स है जो ये वाला एक्स, इसको 1 अपॉन एक्स लिख दिया, प्लस 2 टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस 1, इस एक्स को 1 अपॉन एक्स लिखा है और सभी के अपॉन सेपरेट किया है, n टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस 1, क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई है क्या? है ना, कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू l। अब आप देखेंगे कैसे बन गई है,
जब यहाँ तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो जब हम एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x को 1 बाय y से रिप्लेस कर दे तो ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन y, और ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी की जगह हो जाएगा y टेंडिंग टू, ये बिल्कुल फॉर्म ठीक है। कैसे सब्सटीट्यूट करने के बाद x इक्वल टू 1 बाय y सब्सटीट्यूट कर क्या आ जाएगा, ln 1 है ना, ठीक है, ln 2, ln 3 अगली टर्म होती है ln है, सो e टू द पावर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं 1 into 2 into 3, e से ln कैंसिल 1 into 2 into 3 n फैक्ट। सबको समझ में आया है क्या? ओके नोट करेंगे। ओके हाँ, ये हमने एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 किया। नाइन्थ, अब मैं नाइन्थ बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 9 में है लिमिट n tending to infinity n to the power k sine square n factorial upon n plus 2 k lies from 0 to, यही है। हाँ तो देखिए ध्यान से, n की पावर 0 और 1 के बीच में है ना। देखो ये जो sine square n factorial है ये तो माइनस वन और प्लस वन के सॉरी स्क्वायर है, इसलिए जीरो और वन के बीच में ऑसिलेट कर, साइन स्क्वायर एन फैक्टोरियल और एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है ठीक है, तो जीरो भी नहीं हो सकता, वो तो एन बहुत लार्ज नंबर है और एन जीरो नहीं होगा कभी भी, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जीरो होता है ना। तो ये वैल्यू जो हमेशा है वो जीरो टू वन में ऑसिलेट करेगी, किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर एन फैक्टोरियल की राइट right? अब देखें हम यहां पर n टू दी पावर k है और ये n प्लस 2 है, यही बचा है केवल n टू दी पावर k और n प्लस 2, n टू दी पावर k और k 0 से 1 के बीच में दिया है,
मतलब यहां पर डिनोमिनेटर जो है n प्लस टू इसकी डिग्री 1 है और न्यूमरेटर की डिग्री 1 से कम है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 से कम है। बात समझ में अभी क्या, न्यूमरेटर की डिग्री 1 से कम है, इसको n टू दी पावर हायर पावर कॉमन लेते हैं, n कॉमन ले लिया तो क्या बचा, और n टू दी पावर ये 1 से कम है क्या जाएगा, n 1 माइनस की। देखेंगे ध्यान से, ये 1 से कम है, 1 से कम है मतलब यहां n की पावर पॉजिटिव नंबर आएगा, और जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा तो यहां पूरा क्या हो जाएगा इंफिनिटी। देखें ध्यान से, n टू द पावर 1 माइनस के, k 1 से लेस है तो n की पावर में पॉजिटिव नंबर, मतलब n की पावर में 0.5 ही बोल दिया। अब n टेंडिंग टू इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी आएगा 1 अप, और ये पूरा जो भी है वो एक फाइनाइट नंबर है, तो एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, अप्रोचेस टू जीरो। समझ में आया कि सभी को, ये फाइनाइट है इतना, और ये टू अपॉन इंफिनिटी ये भी जीरो हो जाएगा, तो 1 साइन स्क्वायर एन फैक्टोरियल अपॉन ये होगा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एनी नंबर अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा जीरो, एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इंफिनिटी क्या होगा। सबको समझ में आया, नाइन्थ क्वेश्चन। ओके, हाँ इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा करना है एक्सरसाइज टू में, हाँ बेटा 14th में पहले ही बोल चुका हूं भरत, ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। वैभव 13 बोल रहे हैं, बेटा 13 में आप x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है तो उसको सबसे पहले x को क्या आप सब्स्टिट्यूट करो, x इक्वल टू माइनस y, व्हेन x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी y टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है इस तरह से करो। हाँ, अब मेरे एक चीज ये पूछ रहा हूँ, कुछ लोग 11 भी बोल रहे हैं, मैंने सॉल्यूशन सेंड किए हैं, क्या आपने सॉल्यूशन देखे हैं, तो पहले बेटा सॉल्यूशन तो देखो, सॉल्यूशन जब सेंड किए हैं आप सॉल्यूशन देखेंगे उसके बाद ही कंफर्म होगा कि आपको आया है नहीं आया। हाँ हर्षवर्धन ने देख लिया, हर्षवर्धन आप अपना डाउट बताओ। नो डाउट, ठीक है बेटा, देखो हर्षवर्धन ने सॉल्यूशन देखे, कोई डाउट नहीं है, सारे हो गए उनके सॉल्व, है ना। तो आप लोग भी सबसे पहले सॉल्यूशन सेंड किया है तो उसको देखो, उससे अपने फिर भी अगर वहां कोई समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, है ना। मैंने अभी कितने क्वेश्चन बता दिए हैं, एक फिफ्थ बताया है, नाइन्थ बताया है ना। रितेश 18 पूछ रहे हैं, तो मैं 14 और 18 ये दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना, 14 एंड 18 ये दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 14th क्वेश्चन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का है, उसमें बस लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी के कारण वो लिमिट का हो गया, देखिए लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी क्वेश्चन है 1 अपॉन 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 प्लस
last term, 1 upon 2n plus 1, 2n plus 3, 2n plus 5. है ना, तो आप सबसे पहले तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी भूल जाएं, पहले तो आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो प्रोसेस याद है किसी को, सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं? डिफरेंस मेथड से। कैसे निकालते हैं? डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मेथड क्या होती है पता है सभी को, 2n plus 7 और 2n plus 1 का डिफरेंस, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कर दे तो कितना आ गया 6। ठीक है प्रशांत, कितना आ जाएगा 2n plus 7 minus this, वो 6 आ जाएगा। और उसी तरह हम ब्रेक कर लें, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने इसका जो nth टर्म लिख लें, nth टर्म ये है 2n plus 1, 2n plus 3, 2n plus 5, 2n plus 7, है ना, एपी में होना चाहिए। इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा 6, और यहां 1 है इसलिए 1 बाय 6 लिख। ठीक है, अब सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट मतलब इसके अपॉन में ये, तो 2n plus 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 2n plus 1, 2n plus 3, 2n plus 5 माइनस इसके अपॉन में 2n plus 3, 2n plus 5, 2n plus 5। यहां पर समझ में आया क्या? क्या किया? nth टर्म की ब्रेकिंग कैसे की है, जो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स कैसे लिखा? ये समझ में आया कि सभी को? अब सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स है ना, तो पहले सम ऑफ n टर्म्स फिर n की जगह इनफिनिटी है, तो सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के लिए n की जगह हम 1 2 3 सब्स्टिट्यूट, देखें ध्यान से, n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट, 3 5 7, n की जगह 1 इसमें सब्स्टिट्यूट किया 5 7 प्लस n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया 2 4 1 5 4 3 7 4 2 8 एंड n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया 4 प्लस 1 फाइव माइनस में 2 इधर भी 2 सब्स्टिट्यूट करें। समझ में आ रहा है कि सभी को? इसी तरह ये n में nth टर्म यही रहेगी 2n plus 1 2n plus 3 2n plus 5 minus last 2n plus 3 2n plus 5। देखेंगे ध्यान से आप लोग, ये इससे कैंसिल, ये इसके अगले वाले से, ये इसके पिछले वाले, फर्स्ट और लास्ट बचे, सम ऑफ n 1 by 6 1 by 3 into 5 into 7 minus 2n plus 3 2n plus 5। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, अब इसमें लिमिट लेना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये पूरा निकाल लिया मैंने सम ऑफ n टर्म्स, सम ऐसे 1 by 6 यहां n की जगह इंफिनिटी रख देंगे, 1 by इंफिनिटी 0 हो जाएगा, आंसर आ गया 5 6 30
भरत कंसेप्ट समझ में आया क्या? लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, वो तो केवल लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी के कारण लिमिट में दे दिया है। ओके, अब मैंने इसके बाद बताया कि मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18। दूसरे मेथड से नहीं किया था मैंने, सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन में केवल इसका एलसीएम ले लिया, लास्ट में इसका एलसीएम ले लिया, तो वो दूसरा मेथड होता, और कुछ नहीं किया। सेम मेथड से किया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये डायरेक्ट लिखा हुआ, ये टर्म एस एन डायरेक्ट लिखा हुआ, करके नहीं बताया, डायरेक्ट लिख दिया मेथड यही। ठीक है, ओके, कंप्लीटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, कॉस एक्स प्लस ए क्यूब साइन B6X 1 by X equals to E to the power 5/1। तो हमें वैल्यू किसकी निकालना, A into B square की वैल्यू, राइट। देखें फॉर्म, देखें cos 0 1 sin 0 0, ये पूरा 0 0 plus 1 1 की पावर इंफिनिटी, E to the power लिमिट FX माइनस वन इन टू जी इक्वल टू ई की पावर 5। ठीक है, बार बार लिखे तो ई केवल ये लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड इन टू जीरो कॉस एक्स प्लस ए क्यूब साइन बी सिक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 5, है ना, बेस सेम था, पावर एक, बस अब मैं सॉल्व करके ए बी स्क्वायर की वैल्यू लिखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स, वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, है ना, ये टर्म ए क्यूब इसका मल्टीप्लाई करना है बी सिक्स से मल्टीप्लाई, और डिवाइड, हाँ ध्यान से देखेंगे यहाँ, माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, टू बाहर कर दिया, साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स बाय टू का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और ये टू, तो टू का स्क्वायर यहाँ पर, प्लस यहां पर देखें ये साइन बी सिक्स एक्स अपॉन बी सिक्स एक्स वन हो गया, तो ए क्यूब बी सिक्स,
लिमिट ये वन हो गई, लेकिन लिमिट जब इसमें रखेंगे तो जीरो हो जाएगी, तब ए क्यूब बी सिक्स इक्वल टू फाइव। क्यूब रूट ले लें, क्या कर रहे हैं दोनों साइड क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट लेंगे तो ए का ए क्यूब का क्यूब रूट ए, ए क्यूब क्यूब रूट ए, ए क्यूब क्यूब रूट ए, बी सिक्स क्यूब रूट फाइव वन टू मतलब टू की पावर नाइन पावर वन बाई थ्री, थ्री से नाइन कैंसिल टू। आज में आ रहा सभी को, ठीक है लास्ट टू लास्ट स्टेप ये वाली, ये ऊपर ये वाली मतलब लिमिट की, ये देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर ये वन हो गया और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो इस पर भी अप्लाई होगा, ये जीरो हो जाएगा। थर्ड लास्ट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ना एक, ये जीरो हो गया, ये ए क्यूब बी सिक्स इक्वल टू फाइव वन टू। ओके बिल्कुल लगाओ, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ज्यादा इजीली आ गया है, समझ में आया। तो मैंने ये एक्सरसाइज टू के फोर डाउट आपके डिस्कस किए हैं, एक्सरसाइज टू के फोर डाउट्स और भी हैं क्या एक्सरसाइज टू में? ठीक, ओके है ना। और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पहले सॉल्यूशन देखें उसके बाद बता सकते हैं। ओके कंप्लीटेड। कंटिन्यूटी का बिगनर बॉक्स, सॉरी डू योरसेल्फ वन दिया था, कंटिन्यूटी में डू योरसेल्फ वन दिया था, नहीं किया, चलो आगे है ना। उसका भी मैंने सॉल्यूशन सेंड किया है और हिमांशु को उसमें कोई डाउट, ओके रितेश सॉल्व करना है, जितना काम दिया जाए वो सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है ना। तो हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो कंटिन्यूटी में हमने बताया था कि हमें किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना हो तो हम जिस पॉइंट पर चेक करना होता है उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों इक्वल होती है देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट दैट, ठीक है। आप एग्जाम्पल 11 कौन पूछ रहा भाई, एग्जाम्पल 11 तो सॉल्व दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल 11 कहां, किसका एग्जाम्पल 11? मॉड्यूल का एग्जाम्पल 11 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने कंटिन्यूटी पर कुछ क्वेश्चंस किए थे है ना, दो टाइप के, एक तो टेस्ट द कंटिन्यूटी किया था, चेक द कंटिन्यूटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, फिर उसके बाद हमने सेकेंड
टाइप का क्वेश्चन किया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट. ए की को वैल्यू निकाली थी, बी की वैल्यू निकाली थी, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन. अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. आगे है हमारा कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल. कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, है ना. तो इंटरवल दो टाइप का होता है, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल. कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल, इंटरवल दो टाइप का होता है, ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल. तो अपन पहले बात करते हैं ओपन इंटरवल. इन ओपन इंटरवल अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट. एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल. दैट इज अगर हम एक पॉइंट सी बिलोंग्स कर लें, सी कंसिडर कर लें विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, देन सी पर फंक्शन की वैल्यू, सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट, और सी पर राइट हैंड, अगर ये तीनों इक्वल है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी, सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और सी पर राइट, और सी को ओपन इंटरवल ए बी का कोई भी पॉइंट है, अगर किसी भी पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस हो गया देन फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल. एफ एक्स इज कंटिन्यूअस. ये बात समझ में आ गई कि सभी को? ओके अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल ए बी कहते हैं. तो फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस. तीन पॉइंट लिखेंगे. इफ फर्स्ट पॉइंट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी. कोई भी फंक्शन अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो वो ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए. एंड सेकेंड अब ए और बी पर भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे. तो ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट से मतलब नहीं है, ए पर फंक्शन की वैल्यू और ए पर राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए. थर्ड पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू और बी पर राइट हैंड लिमिट नहीं देखना, क्योंकि हमें केवल क्लोज इंटरवल ए बी में बात करना, बी के बाहर बात नहीं करना है. Extending to b minus, तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस कब होगा? पहला पॉइंट अगर वो ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस, पहली चीज. दूसरा
राइट कंटिन्यूअस हो, राइट कंटिन्यूअस हो ए पर, ए पर राइट कंटिन्यूअस, ए के लेफ्ट से मतलब नहीं है, है ना, क्योंकि हमें केवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बात करना है, तो ए पर राइट कंटिन्यूअस हो मतलब ए पर फंक्शन की वैल्यू और ए पर राइट हैंड लिमिट इक्वल, बी पर लेफ्ट कंटिन्यूअस हो, बी पर लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा मतलब बी पर फंक्शन की वैल्यू और बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल, अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। कंप्लीट हो गया है, ओके। तो अब हमें इसमें इंटरवल पर भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि अगर हम कंटिन्यूअस फंक्शन है तो पर्टिकुलर इंटरवल में है या नहीं, तो इंटरवल के हर एक पॉइंट पर देखना पड़ेगा। टेस्ट द ऑफ द फंक्शन, mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 in closed interval 1, 2, 3. Test the continuity of the function fx equals to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 in closed interval 1, 2, 3. तो हमें 1 से 3 open interval में भी continuity check करना है और 1 और 3 पर भी check करना है, ठीक है। तो सबसे पहले function को हम properly लिखें, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 और 2, तीन केस बनाएंगे, x less than 1 है, 0 रखा तो नेगेटिव आया, less than 1, फिर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में 1.5, ये पॉजिटिव, और यहां x की वैल्यू 1.5 रखेंगे तो नेगेटिव। समझ में आ रहा है सभी को कैसे ओपन करते हैं मॉड्यूलस, x is greater than or equal to 2 से greater पर ये भी positive है ना, so finally function becomes minus x minus 2x plus 1 plus 2 plus 3, x से x cancel, minus 1 plus 2 minus 1 plus 2 और x 2x minus 3 में आगे के सभी को फंक्शन कैसे डिफाइन किया है। ओके, अब 1 और 3 के बीच में, तो देखो यहां पीसवाइज कहां ब्रेक हो रही डेफिनेशन, एक तो 1 पर
और एक टू पर, वन और थ्री के बीच में हमें वन और टू पर देखना है सबसे। तो वन पर क्या निकालें फंक्शन की वैल्यू, वन पर फंक्शन की वैल्यू। अब वन के लेफ्ट में तो देखना ही नहीं है, वन के केवल राइट में देखना है। तो वन के राइट में फंक्शन की वैल्यू वन है और राइट हैंड लिमिट भी वन। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, ये बात समझ में आ गई क्या? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल, ये बात समझ में आ गई क्या? क्या बोला है, कैसे लिख दिया है? वन के लेफ्ट में हमें देखना ही नहीं है, ये वाली डेफिनेशन से मतलब ही नहीं। वन के राइट में वन पर फंक्शन की वैल्यू वन है और वन पर राइट हैंड लिमिट भी वन। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब वन और थ्री के बीच में एक पॉइंट आ रहा है टू, टू पर चेक करें तो टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट टू माइनस, टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकलेगी वन, टू पर राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी? टू पर राइट हैंड लिमिट टू एक्स माइनस थ्री, तो देखें टू इंटू टू फोर माइनस थ्री, ये भी वन। टू पर फंक्शन की वैल्यू, टू पर फंक्शन की वैल्यू यहां से निकालें, ये मैंने एफ टू, टू टू जो फोर माइनस थ्री इक्वल टू, टू पर फंक्शन की वैल्यू भी वन है, टू पर राइट हैंड लिमिट भी वन है, टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। समझ में आया क्या? फंक्शन x इक्वल टू वन पर भी कंटिन्यूअस है, फंक्शन x इक्वल टू टू पर भी कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई क्या सभी को? ओके, अब थ्री पर और चेक करना। तो थ्री के राइट से हमें मतलब नहीं है, थ्री के लेफ्ट में, थ्री के ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, तो थ्री से कम पर भी फंक्शन यही है। फंक्शन की वैल्यू थ्री पर टू इंटू थ्री माइनस थ्री सिक्स माइनस थ्री थ्री, और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट भी थ्री पर थ्री, थ्री पर भी कंटिन्यूअस। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल वन टू थ्री, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। समझ में आया क्या? तो हमने कंटिन्यूटी चेक की क्लोज्ड इंटरवल वन टू थ्री। ओके, नोट कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Test the continuity of the function f x equal to greatest integer x in interval
in closed interval 1, 2. Test the continuity of the function fx equal to greatest integer x in the closed interval 1. कर सकते हैं? करें, ट्राई करें, है ना? पहले ओपन इंटरवल 1, 2, 2 में कंटिन्यूटी चेक करें, फिर 1 पर चेक करें, फिर 2 पर चेक, तीनों पर कंटिन्यूस आना चाहिए, तो क्लोज इंटरवल 1, 2, 2 में कंटिन्यूस होगा। अगर किसी भी एक भी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा तो हम बोलेंगे पूरे क्लोज इंटरवल 1, 2, 1, 2, 2 में कंटिन्यूस नहीं करेंगे। हाँ, हो गया। यस, ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूरा की हम ग्राफ से चेक कर सकते हैं। देखेंगे 0, 1, 2 वन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, 2 पर 2 होती है। वन पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1, 2 पर 2, ठीक है, ग्राफ दिख रहा है। तो अगर हम ओपन इंटरवल 1 से 2 में बात करें, इट्स कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल 1 टू 2, ठीक है, 1 से 2 में कंटिन्यूअस है, कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं हो। 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 के राइट में, राइट हैंड लिमिट 1 पर, लेफ्ट में चेक ही नहीं करना है, 1 के राइट में भी वैल्यू, क्लियर? तो फंक्शन इज fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज कंटीन्यूअस।
इज राइट कंटिन्यूस, है ना, ओवरऑल कंटिन्यूस वन पे नहीं होगा क्योंकि अपन तो इंटरवल में बात, इज राइट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पर, फंक्शन की वैल्यू टू पर टू है और टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट, टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट वन है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू, देयरफॉर एक पॉइंट टू पर कंटिन्यूअस नहीं है तो पूरे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स is not continuous in closed interval. बस समझ में आ गई क्या बच्चों? Okay. हो गया सभी काम? हो गया कंप्लीट सभी काम? ठीक है, समझ में आया क्या है तक कंटिन्यूटी? अब हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कर सकते हैं, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, लेकिन ये e की पावर 1 बाय x है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगी x इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 0 पर गिवन है, फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 गिवन, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें और राइट हैंड लिमिट निकाल लें 0, ठीक है, निकालें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बताएं, बता दिया है आंसर, हर्षित कंटिन्यूस बता रहे हैं, रॉन्ग बता रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0, f 0 में लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स की जगह क्या रखना है जीरो माइनस एच, तो वन अपॉन जीरो माइनस एच। हाँ तो ए टू दी पावर माइनस इंफिनिटी जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस, तो आ गया माइनस। यहीं पर हो गया डिसकंटिन्यूअस, तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पर जीरो है और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पर माइनस वन, यही इक्वल। लेकिन हम राइट हैंड लिमिट भी अगर निकालें एच के प्लेस पर जीरो प्लस एच वन अपॉन एच, अब ये इन्फिनिटी बन रहा है, एच जीरो रखेंगे वन बाय जीरो इन्फिनिटी ई टू दी पर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो हम ऐसे लिमिट सब्सटीट्यूट नहीं करते, पहले उसको फाइनाइट बनाने की कोशिश करते। e to the power 1 by h कॉमन ले लिया, लिख सकते हैं ऐसा, और e to the power 1 by h कॉमन ले लिया, 1 minus 1 by e to the power, ये कैंसिल, लिमिट सब्स्टिट्यूट की, है ना। तो हम बोल सकते हैं लिमिट x tending to 0 fx इक्वल नहीं आई, दोनों एक माइनस वन है एक प्लस वन है, डज नॉट एग्जिस्ट। Therefore, given function is discontinuous. Given function is discontinuous at x equal to is not continuous or discontinuous. एक ही बात। Complete हो गया? Reasons for discontinuity, कोई भी फंक्शन किन किन रीजन से डिसकंटिन्यूअस हो, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, इफ फर्स्ट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस है, एफ ए इज नॉट डिफाइंड, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं, डिफाइन नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे फंक्शन इज डिस। सेकेंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स ए माइनस एफ एक्स इक्वल ना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो उस पॉइंट पर, तो फंक्शन क्या होगा डिस्कंटिन्यूअस। दूसरा पहला रीजन बताया कि एफ ए उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं, दूसरा रीजन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो। थर्ड केस कि लिमिट भी एग्जिस्ट हो जाए लेकिन उसकी वैल्यू फंक्शन की x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल, दीज आर द थ्री रीजंस ड्यू टू फंक्शंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू, है ना। हम थोड़ा सा ग्राफ में भी देख सकते हैं।
इक्वल टू है, x इक्वल टू वन के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन है, राइट में फंक्शन डिफाइन, लेकिन x इक्वल टू वन पर फंक्शन डिफाइन, इसलिए फंक्शन वन पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन वन पर डिफाइन। टू पर बात करें, सेकेंड केस में टू पर फंक्शन डिफाइन है, वैल्यू है टू पर फंक्शन, पर टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग, टू पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं, टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है, तो लिमिट टू पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं। ठीक है, x इक्वल टू वन पर फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू वन पर डिफाइन नहीं है। टू पर कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि टू पर फंक्शन डिफाइन तो है, ये पॉइंट है, ये वैल्यू है, सब कुछ वन बोल दी, ये बोल दी, तो x इक्वल टू टू पर फंक्शन की वैल्यू वन है, बट टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन है और टू पर राइट हैंड लिमिट वन नहीं है, टू तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अब थ्री पर एट एक्स इक्वल टू थ्री फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट टू है, राइट हैंड लिमिट भी टू है, पर थ्री पर फंक्शन राइट हैंड लिमिट भी टू है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू थ्री पर फोर प्रोवाइड है। समझे, ध्यान से देखेंगे, ये मैंने ग्राफ बना दिया है, फिर से देख लें एक बार, x इक्वल टू वन पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि f1 इज नॉट डिफाइंड, ये फंक्शन है आपका fx, fx इज डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, रीजन क्या है, f1 इज नॉट डिफाइंड, नॉट, ठीक है, टू पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, रीजन बताओ, टू पर फंक्शन डिफाइन है, वैल्यू वन है, पर टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू, रीजन क्या है, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम बात करें थ्री पर, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस at x equal to 3, अब 3 पर लिमिट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट है लिमिट, बट एक्सटेंडिंग टू 3 fx और f3 की वैल्यू सेम नहीं है, रीजन समझ में आया क्या, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, ऑल थ्री पॉइंट्स क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड, एफ ए डिफाइन नहीं है, दूसरे केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तीसरे केस में लिमिट तो एग्जिस्ट है लेकिन एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू के, ओके नोट कर लिया, हो गया सभी का, नोट कर लें।
कुछ लोगों का नहीं हुआ है, नोट करें। Completed. सभी का कंप्लीट हो गया है। हम रीजंस के बाद हमें लिखना है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यू। Types of discontinuity. Types of discontinuity. First, removable type of discontinuity. Removable type of discontinuity, remove की जा सकती हो जो discontinuity है ना। तो इसमें क्या होता है, limit exist होती है function की, x equal to a पर function की limit exist है, लेकिन f a के equal नहीं, लेकिन f a के equal नहीं है, limit exist है, f a भी defined है, पर limit extending to a f x और function की value a पर ये equal नहीं है, then function is said to have removable type of discontinuity. We can remove this type of discontinuity by redefining the function. Function को फिर से redefine करते हैं उस particular point पर जिस पर हम discontinuity की बात करें, तो function को हम continuous बना सकते हैं। हाँ, तो हम इसमें लिखते हैं if limit extending to a fx exist but limit extending to a fx equal not fa, value of the function t equal nahi, it doesn't matter fa is defined or not. fa defined ho to bhi hume koi fark nahi hai is case mein, aur fa not defined ho tab bhi koi matlab nahi, बस लिमिट एग्जिस्ट है और वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पर इक्वल नहीं है, देन एफ एक्स इज सेट टू हैव रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एट एक्स इक्वल टू A, this type of discontinuity can be removed. This type of discontinuity can be removed by redefining the function fx at x equal to a. समझ में आया क्या, नोट करें।
है ना, इस ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ऑफ फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड भी बोल सकते, ठीक है। एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल x equal not 1, लिमिट एग्जिस्ट है 1 पर, लेकिन 1 पर लिमिट निकालेंगे तो वो आएगी 2 और फंक्शन की वैल्यू 1 पर दी है 3, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x equal to 1। रिमूव कौन सा टाइप का डिसकंटिन्यूअस है, रिमूवेबल टाइप, फंक्शन हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू, नोट करेंगे। करें जल्दी नोट करें, रीडिफाइन का मतलब जैसे मैं यहीं पर कैंसिल कर दूं कि फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू वन पर थ्री ना होकर लिख दूं टू है, फिर से लिख दूं इस फंक्शन को, रीडिफाइन कर दूं एक्स इक्वल, यही तो चेंज करना पड़ेगा, वन की थ्री की जगह टू कर दो, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। ओके हो गया कंप्लीट। अब जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है वो दो टाइप की होती है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और दूसरा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दो टाइप की है ना, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दो टाइप की, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दो टाइप की, रिमूवेबल में, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आर ऑफ टू टाइप्स, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और दूसरा होता आइसोलेटेड पॉइंट। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट है और एफ ए इज नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट बट एफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ ए डिफाइंड नहीं है ना, जैसे एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू, बस इतना ही दिया और कुछ भी नहीं, एग्जिस्ट बट एफ ए इज नॉट डिफाइंड, तो एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू वन पर फंक्शन डिफाइन नहीं, वन पर लिमिट एग्जिस्ट है पर कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन पर फंक्शन डिफाइन नहीं। दूसरा एग्जाम्पल साइन एक्स अपॉन एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं,
x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट फंक्शन की लिमिट जीरो पर एग्जिस्ट है, मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी। हाँ, दूसरा आइसोलेटेड पॉइंट कंटिन्यूटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स एग्जिस्ट, एफ ए इज ऑल्सो डिफाइंड, एफ ए भी डिफाइंड, बट जो लिमिट की वैल्यू है और जो x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल। जैसे एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स इक्वल नॉट टू और एक्स इक्वल टू टू पर सिक्स, है ना। तो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एफ एक्स क्या आ जाएगा, फैक्टर कर लेंगे फोर, और फंक्शन की वैल्यू टू पर क्या दी है सिक्स, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एफ एक्स इक्वल नॉट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट टू। ये एग्जांपल, बात समझ में आ गई क्या, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में डिफरेंस समझ में आ गया। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट है और फंक्शन की वैल्यू ए पर डिफाइन, दूसरे आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट तो एग्जिस्ट होगी क्योंकि हम पॉइंट कौन सा पढ़ रहे हैं, रिमूवेबल, रिमूवेबल के टाइप, रिमूवेबल के टाइप में लिमिट एग्जिस्ट होती, लिमिट एग्जिस्ट है पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिसिंग पॉइंट में डिफाइन नहीं है, और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है पर वो x इक्वल टू a पर फंक्शन की लिमिट के इक्वल। बात समझ में आ गई क्या, नोट कर लें। नोट करेंगे हो गया क्या सभी का, ओके। तो कल हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आज हमने पढ़ी रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कल पढ़ेंगे नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और उसमें फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, होमवर्क डू योरसेल्फ टू लिमिट एंड कंटिन्यूटी का डू योरसेल्फ टू और लिमिट की एक्सरसाइज फोर, कंटिन्यूटी का डू योरसेल्फ टू, लिमिट की एक्सरसाइज फोर। एक्सरसाइज फोर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई मेंस के आए हुए क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कल कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर किसका है।